जय श्री स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायणो विजयतेतराम। श्री गढ़ा प्रथम प्रकरणम श्री वचनामृतम। स्वामी नारायण हरे। संवंत 1876 ना माघशर सुदी चतुर्थी ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़ा मध्य दादा खाचरना दरबार में साधुनी जायगा ने विषे रात्रि ने समय पधार्या हता अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ साधु तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बेठी हती। पछी श्रीजी महाराजे प्रश्न पूछ्यो जे सर्वे साधन में कयुं साधन कठिन छे। त्यारे सर्वे ब्रह्मचारी साधु तथा गृहस्थ तेमणे पोतानी समझण प्रमाणे उत्तर कर्यो पण थयो नहीं। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे ल्यो अमे उत्तर करिए जे। भगवान ना स्वरूप में मननी अखंड वृत्ति राखवी तेथी कोई साधन कठण नथी अने जे मनुष्यना मननी वृत्ति भगवान ना स्वरूप में अखंड रहे छे तेने तेथी बीजी अधिक प्राप्ति शास्त्र में कही नथी। काजे भगवान नी मूर्ति छे ते तो चिंतामणि तुल्य छे। जेम चिंतामणि कोईक पुरुषना हाथ में होय ते पुरुष जे पदार्थ ने चिंतवे ते प्राप्त थाय छे तेम भगवान ने मूर्ति ने विषे जेना मननी अखंड वृत्ति रहे छे ते तो जीव ईश्वर माया अने ब्रह्म एमना स्वरूप ने जो जोवाने इच्छे तो तत्काल देखे छे तथा वैकुंठ गोलोक ब्रह्ममहल ए आदिक जे भगवान ना धाम छे तेने पण देखे छे। माटे भगवान ना स्वरूप में अखंड वृत्ति राखवी तेथी कोई कठण साधन पण नथी अने तेथी कोई मोटी प्राप्ति पण नथी। त्यार पछी हरिभक्त शेठ गोवर्धन भाईए श्रीजी महाराज प्रत्ये प्रश्न पूछ्यो जे जेने भगवान नी माया कहे छे तेनु रूप शुं छे। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे भगवान नो भक्त होय तेने भगवान नी मूर्ति नु ध्यान करता जे पदार्थ आडू आवीने आवरण करे तेने माया कहिए। पछी मुक्तानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे भगवान नो भक्त ज्यारे पंचभूत ना देह ने मूकीने भगवान ना धाम में जाय छे त्यारे ते केवा देह ने पामे छे। त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे धर्म गुण ने आश्रित एवो जे भगवान नो भक्त छे ते भगवान नी इच्छाए करीने ब्रह्ममय देह ने पामे छे अने ज्यारे देह ने मूकीने भगवान ना धाम प्रत्ये जाय छे त्यारे कोई तो गरुड़ पर बेसीने जाय छे अने कोई तो रथ पर बेसीने जाय छे अने कोई तो विमान पर बेसीने जाय छे। एवी रीते भगवान ना भक्त भगवान ना धाम में जाय छे तेने योग समाधि वाला छे ते प्रत्यक्ष देखे छे। पछी वली हरिभक्त ठक्कर हरजीए श्रीजी महाराज ने पूछ्यु जे केटलाक तो घणा दिवस सुधी सत्संग करे छे तो पण तेने जेवी पोताना देह अने देहना संबंधीने विषे गाढ़ प्रीति छे तेवी सत्संगमां गाढ़ प्रीति नथी थाती तेनु शुं कारण छे। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे एने भगवान नु महात्म्य परिपूर्ण जाण्यामां आव्यु नथी अने जे साधुने संगे करीने भगवान नु महात्म्य परिपूर्ण जाण्यामां आवे छे ते साधु ज्यारे पोताना स्वभाव उपर वात करे छे त्यारे ते स्वभावने मूकी शकतो नथी अने ते वातना करनारा जे साधु तेनो अवगुण ले छे ते पापे करीने सत्संग में गाढ़ प्रीति थाती नथी। काजे अन्य स्थल ने विषे जे पाप कर्या होय ते संत ने संगे करीने जाय अने संत ने विषे जे पाप करे छे ते पाप तो एक संतना अनुग्रह विना बीजा कोई साधने करीने टळता नथी। ते शास्त्र में कह्युं छे जे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ते माटे संतनो अवगुण जो न ले तो एने सत्संग में दृढ़ प्रीति थाय। इति वचनामृतम एवी रीते गढ़ड़ा प्रथम प्रकरणनु पहलू वचनामृत थयुं।